हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीलाइज विद इन। आज मैं अपने चैनल पे करने वाली हूँ आइकॉनिक प्रोफेशनल के हेयर ड्रायर का रिव्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द पैकेजिंग। इसका मॉडल नंबर है प्रो 2100। सो दिस इज द हेयर ड्रायर। इसका प्राइस है 3000 रुपीज़ और अभी 20% ऑफ चलने की वजह से 2400 का ये आपको मिल जाता है। 1 ईयर की इसके साथ वारंटी है और आपको इसके साथ 2 नोजल्स भी मिलती है जिसके शेप में थोड़ा सा डिफरेंस है। आई विल शो यू। नोजल के इस्तेमाल से जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है एक पर्टिकुलर एरिया पे, तो आप डेफिनेटली स्टाइलिंग के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो कॉर्ड है वो 3 मीटर है, बट ये बिल्कुल भी 360 डिग्री नहीं घूमता है, काफ़ी स्टिफ है ये। तो अब बात करते हैं इसके कुछ खास फीचर्स की। आप देख सकते हैं इसके साइड में रबर का ग्रिप दिया हुआ है दोनों साइड्स पे, तो इसकी वजह से आप इसे जब टेबल पर रखते हो या किसी और जगह पे रखते हो तो स्लिप होकर के गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। एंड इट्स अ वेरी हाई वेलोसिटी मोटर हेयर ड्रायर। इसकी पावर होगी अराउंड 2000 से 2200 वाट्स। यू कैन सी इसके साथ में एक तरह का हुक दिया हुआ है जिससे आप इसे हैंग करके रख सकते हैं, जस्ट इन केस यू वॉन्ट टू हैंग इट। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली 3 बटन्स दिए हुए हैं। ये जो बटन है मिडल वाली, ये है एयर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, यानी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, और नीचे वाली जो बटन्स हैं वो हीट को कंट्रोल करने के लिए दी हुई हैं। ये टॉप पे जो बटन है इट इज़ कूल्ड शट बटन, तो 0 पे ये बंद होगा। उसके बाद जब आप एक बार इसे क्लिक करते हो तो ये मीडियम स्पीड पर चला जाता है, और जब आप इसे एक और बार क्लिक करोगे तो ये हाईएस्ट स्पीड पे होगा। उसी तरीके से ये जो हीट कंट्रोल करने की बटन दी हुई है उसमें नंबर 1 पे काफ़ी माइल्ड गर्म हवा आती है, 2nd पे थोड़ी ज़्यादा, एंड लास्ट 1 इज़ फॉर डूइंग हेयर स्टाइलिंग विद ब्लो ड्रायर, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट होती है उसमें। नाउ व्हेन यू चूज़ एनी ऑफ द फंक्शंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जो स्पीड है उसको टॉप पे रखा है और यहाँ पे जो हीट है उसे भी मैंने टॉप पे रखा है। नाउ इफ़ आई स्टार्ट द ब्लो ड्रायर एंड मीनवाइल आई वॉन्ट के कूल हवा आए बीच में, तो मुझे ये वाली बटन प्रेस ऑन करके रखना है। ध्यान रहे इसे प्रेस ऑन करके रखना पड़ता है, आप इसे छोड़ोगे तो इमीडिएटली वापस से जो भी सेटिंग थी उस पर चला जाएगा वो। तो जब आप हेयर स्टाइलिंग कर लेते हैं और उसके बाद आप उसे सेट करना चाहते हैं तो इमीडिएटली आप कूल शट बटन का इस्तेमाल कर लीजिए। कूलिंग इफेक्ट की वजह से जो भी आपने स्टाइल दी है वो उसी तरह इंटैक रहेगी। सो नाउ इज़ द टाइम दैट आई यूज़ इट ऑन माई हेयर, और उसके लिए पहले मैंने अपने हेयर को अच्छी तरह से वॉश किया है विद शैम्पू एंड कंडीशनर। उसके बाद नॉर्मल थोड़ा सा मैंने इसे एयर ड्राई भी होने दिया है क्योंकि मुझे ड्रिपिंग वाटर नहीं चाहिए बिफोर अप्लाइंग सीरम। और उसके बाद मैंने स्ट्रिक्स का हेयर सीरम यूज़ किया है अपने बालों पर और ऑलमोस्ट 5 मिनट्स तक मैंने इसे रहने दिया है अपने बालों पर। नाउ दैट आई एम गोइंग टू ब्लो ड्राई माई हेयर, तो मैं अभी यूज़ करूँगी लॉरेंजा का हीट प्रोटेक्टिंग मिस्ट पहले, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी एक हीट अप्लायंस ही है, सो आई वुड लाइक टू प्रोटेक्ट माई हेयर फ्रॉम इट। तो मैंने इसे यहाँ पर प्लग इन कर लिया है और अब मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। सो पहले मैं इसे नोजल के बिना इस्तेमाल करूँगी, एंड ऑफ कोर्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो आई एम कीपिंग इट एट हाईएस्ट हीट एंड हाईएस्ट फैन स्पीड। तो आप देख सकते हैं कि बिना नोज़ल के भी मैंने काफ़ी हद तक अपने बालों को मैनेजेबल बना लिया है, साथ ही साथ ये सूख भी गए हैं। और क्योंकि मैंने नोज़ल का इस्तेमाल नहीं किया है और एयर एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो पाई है, इसीलिए मेरे बाल थोड़े से फूल गए हैं और मेरे बालों को थोड़ी वॉल्यूम भी मिली है। 1 थिंग आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन कि मैंने अपने बालों को डिटेंगल नहीं किया था पहले, सिर्फ ब्लो ड्रायर यूज़ करते वक्त मैंने अपने फिंगर्स को बालों के बीच में रन थ्रू किया ताकि उंगलियों से ही मैं जितना हो सके उसे डिटेंगल कर लूँ, और इससे फिर बालों को डैमेज कम होता है, बाल कम टूटते हैं, बिकॉज गीले बालों पर आप कोम लगाते हो तो बाल ज़्यादा टूटते हैं। दैट इज़ समथिंग टोल्ड बाय माई मॉम एंड आई स्वेयर बाय इट। तो अब मैं ये साइड पे नोज़ल के साथ ब्लो ड्राई करूँगी, और उसके लिए मैंने ये बड़ा वाला नोज़ल लिया है ताकि मैक्सिमम बाल
एक साथ कवर हो जाए। आप चाहे तो छोटा वाला भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी वॉल्यूम ऑफ योर हेयर एंड ऑफ कोर्स द लेंथ ऑफ दी हेयर। और इसे लगाना बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको बस ऐसे ही इसके फ्रंट एरिया पे इसे फिट कर देना है और ये फिट हो जाता है, ये इजीली निकलता भी नहीं है। आप देख सकते हैं ये और भी ज़्यादा स्लीक लग रहा है कंपेयर टू दिस वन, ऑलमोस्ट लाइक अ माइल्ड स्ट्रेटनिंग। यानी आप इस तरह से ब्लो ड्राइंग से बाल को काफ़ी ज़्यादा हद तक स्ट्रेट भी बना सकते हैं। नाउ इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ हेयर ब्रश लाइक दिस टू स्टाइल योर हेयर विद दिस ब्लो ड्रायर, लेकिन मुझे वो आता नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई दैट। अभी मैं अपने बालों में एक बार कॉम का इस्तेमाल करना चाहूँगी जस्ट इन केस देर आर एनी टैंगल्स। तो मैंने कॉम का इस्तेमाल किया है दोनों साइड पर देखने के लिए कि इसमें अब टैंगल्स मेरे बालों में है या नहीं, क्योंकि एक अच्छे ब्लो ड्रायर से आपके बाल डिटैंगल भी हो जाते हैं। तो राइट साइड में क्योंकि मैंने नोज़ल का इस्तेमाल किया था इसीलिए टैंगल्स मुझे मिले नहीं हैं, नीचे एंड्स पे भी नहीं मिले, लेकिन लेफ्ट साइड में मुझे एंड्स पे थोड़े बहुत नेग्लिजिबल टैंगल्स मिले हैं। एंड येस दैट्स ऑल अबाउट टुडे, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, इफ़ सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Bye-bye.